तो मित्रों, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं, मिश्रा जी आप YouTube से कितना पैसा कमाते हैं और अब तक आपने कितना कमाया और कितने दिनों से आप वीडियो बना रहे हैं। देखिए मित्रों, कुछ बातें मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा जो कि आपको जानना महत्वपूर्ण है। बहुत लोग बस केवल समझते हैं कि YouTube पे बस आ गए तो बस पैसा ही बहुत सारा मिलता है, तो ऐसा हकीकत नहीं है। और देखिए, जहाँ तक बात किया जाए ना, तो YouTube पे मैं जनवरी 2020 को वीडियो मतलब YouTube पे आया और वीडियोज़ जो है मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था मैसूरी, जो कि उत्तराखंड में है, देहरादून से करीब 80 किलोमीटर है, तो वहाँ पे मैं घूमने गया था। तो ऐसे ही मैं शॉर्ट एक वीडियो बनाया था, तो वो सबसे पहले YouTube पे मैंने दो चार देखे होंगे, अगर आप होंगे पहले से सब्सक्राइबर तो जानते होंगे, तो मैंने वो डाला था। तो फिर अचानक मेरे को मन में ख्याल आया था कि चैनल बना के उसके ऊपर मैं डाल दिया, और फिर उसके बाद सबसे पहला जो वीडियो था ना, मेरा भाई था और उसके साथ मेरा एक वीडियो था, ठीक है। और उसके बाद मैं गया था अपने सासाराम शहर, तो वहाँ पे एक नानी जी के घर वीडियो बनाया था। उसके बाद मैं अपने भाई के साथ गया था, एक मकबरा था सासाराम में, सलीम सासुरी मकबरा वहाँ का। और इसके साथ साथ मेरा वीडियो आगे का जर्नी स्टार्ट हुआ, तो उस समय मैं पहला पहला वीडियो बनाता था और मतलब उतना अच्छे से नहीं आता था और ना ही बोल पाते थे और ना एक्सप्लेन कर पाता था बहुत कुछ, और बहुत सारा जैसे बात होता बीच बीच में अटक जाते थे, अच्छे से नहीं बोल पाते थे। तो ऐसे शुरुआत किया पहले मैं, और वीडियो उस समय मैं डालता था तो व्यूज तो आता ही नहीं था, अपना वीडियो खुद से देखता था और बहुत कुछ मेरे को मालूम ही नहीं था, थंबनेल कैसे बनाया जाता है, टाइटल कैसे लिखा जाता है, टैग डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं मालूम था मेरे को। और उस समय मैं बस ऐसे ही बनाता था, तो अब तो मतलब थोड़ा बहुत आप लोग के सहयोग से इतना वीडियो बना चुका हूँ, करीब 450 से भी ज़्यादा, और आपका आशीर्वाद रहेगा तो आगे भी चलेगा बनेगा। और देखिए, उसके बाद से मेरा जो भी था ना वीडियोस, मैं दो चार महीना डाला कुछ कुछ, मतलब वीडियो 15 दिन चाहे एक महीना पे एक दो डालता था, उसके बाद मैं छोड़ दिया था कि बहुत दिन तक वीडियो नहीं डाला, और क्योंकि यार व्यू आ नहीं रहा है। उसके बाद एक और मैं डाला था अपने सासाराम जंक्शन का, तो उस पर 2000 व्यू आ गया था, मतलब 3-4 महीने के अंदर। तो मैं बड़ा खुश था कि अरे वाह, मेरा चैनल पे 2000 के आसपास व्यू पहुँचने वाला है, पहले तो 1000 आया, 700-800 बढ़ते बढ़ते, तो बहुत खुश हुआ था। और धीरे धीरे इसी तरह मेरा शुरुआत हुआ, और उसके बाद सबसे पहला जो वीडियो था ना मेरा, वही सबसे ज़्यादा व्यू गया था सासाराम जंक्शन का। और उसके बाद से फिर मैं कुछ समय तक स्टॉप हो गया था कि यार यूट्यूब पे इतना वीडियो डाल रहे हैं यार, कुछ फ़ायदा वायदा हो नहीं रहा है, क्या झूठे यूट्यूब के चक्कर में पड़े हैं। और शुरुआती में भी बहुत सारे लोग बोलते थे, जो अपने ही लोग हैं, कि क्या YouTube के चक्कर में पड़े हो, फलान ढिकाना बन संड। तो मतलब अभी भी देखिए, वीडियोस तो मैं वैसे डालता ही था, लेकिन फिर छोड़ दिया था कुछ समय। फिर उसके बाद एक बार 2020 जब था ना लॉकडाउन, तो उस समय कुछ कुछ वीडियो बनाता था। उसके बाद 2020 से ही बहुत सारे मेरा जो बोलते थोड़ा बहुत चैनल को ग्रो में आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं जब बनारस गया था तो वहाँ पर बहुत सारा वीडियो डाला, फिर धीरे 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 मेरा सब्सक्राइबर बढ़ने लगा और रीच जो होता है ना चैनल का कुछ बढ़ा। और उसके बाद फिर अब तक क्या बोलते हैं, आपके सहयोग और आशीर्वाद के चलते ही पिछले महीने में ही अक्टूबर में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ जाके, और उससे पहले मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं था। और देखिए, जून में ना इसी जनवरी जो के बाद जो बीता, तो उसके बाद मेरा करीब मार्च तक 1000, मार्च से पहले 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे। और जो 4000 वॉच टाइम, आपको पता ही है यूट्यूब पे एक क्राइटेरिया है कि करीब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम आपको कंप्लीट करना रहता है साल भर के अंदर। तो मेरा 1000 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो चुका था तो उस समय भी बहुत खुश हुआ था मैं। और 4000 का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ आपको मई जून में हुआ था करीब, तो उस समय बड़ा खुश हुआ। लेकिन उसके बाद जब मैंने अप्लाई किया YouTube को मोनेटाइजेशन के लिए, तो क्या हुआ कि मेरा रिजेक्ट हो गया। और उसका रीज़न आया कि आप अपने वीडियोस में रीयूज कंटेंट का यूज किए हैं, और बड़ा दुख हुआ। तो फिर सारा वीडियोस को मैं देखा कौन कौन सा यूज किए हैं, उसको मैंने डिलीट किया। उसके बाद कुछ दिन बैठ के, क्योंकि जो आप वीडियो डिलीट कर देंगे ना तो उसका व्यू और वॉच टाइम काउंट नहीं किया जाता, यूट्यूब का पॉलिसी है, तो छोड़ दिए। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे वीडियोस आता रहा, फिर आपके सहयोग से आज
बोलना चाहूँगा, बहुत खुशी की बात है कि हमारा चैनल अक्टूबर में ही मोनेटाइज हुआ, और आगे देखिए आपका सहयोग रहेगा तो आगे जरूर जाएंगे हम लोग। और देखिए जहाँ तक बात रही पैसे कमाने के लिए, तो मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि पैसा कमाना ही है यूट्यूब से, बस मैं ऐसा घूमते फिरते रहता था और मेरे को जो अपने तक समझ में आता है वो आप तक पहुंचाता था। देखिए कुछ कुछ आप देखेंगे कि एजुकेशन से रिलेटेड भी मैंने वीडियो डाला है। हाँ, तो वो मैं एक वीडियो डाला था जिसपे अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोग कमेंट करते गए, पूछते गए, तो उस अनुसार मैं वीडियोस लाता गया। बाकी तो मेरा आप देख सकते चैनल पे ज़्यादा आपको ट्रैवल से रिलेटेड इधर उधर, मतलब जब जाता हूँ चाहे घूमने जाता हूँ कहीं, अलग अलग प्रकार का जो वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगा। और बेसिकली एजुकेशन से जो रिलेटेड कुछ वीडियोज़ हैं ना, तो वो लोग पूछ रहे थे तो उस अनुसार मैं बनाया था। उसके बाद अभी तक तो आप देख ही सकते हैं चैनल ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, अभी स्टेज में क्या बोल सकते हैं, देखिए आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो मुझे नहीं मालूम। और जहाँ तक कमाई की बात रही, तो देखिए मित्रों अभी मेरा एडसेंस 27 सितंबर को भेजा है यूट्यूब, ये गूगल एडसेंस के द्वारा, उसको वेरीफाई करना है। और इतना भी धनराशि नहीं आया है यूट्यूब के द्वारा कि मैं आपको बताऊं कि मैं कितना कमाता हूँ, अब तक मुझे एक भी पेमेंट नहीं मिला। आप बोल सकते हैं कि बिना कुछ मिले हुए 2 साल से इतना मेहनत किए जा रहे हैं। आपको लगता होगा 5 मिनट 6 मिनट का वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे ही बन जाता है, ऐसे बात नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, वीडियोस बनाना पड़ता है, उसके बाद उसको एडिटिंग करना पड़ता है, फिर उसको डालना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है, थंबनेल बनाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है। 5-6 मिनट का वीडियो जो देखता है उसके लिए तो आसान है, लेकिन जो बनाता है वो उसी समझ सकता है कि कैसे कैसे वो बनाता है। मेहनत लगता है भाई वीडियोस बनाने में, और उसके बाद भी फिर कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो भाई सभी समझ सकते हैं, सबको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैंने वो सब छोड़ दिया कि इतना मैं ध्यान नहीं देता था, क्योंकि चलो कभी ना कभी तो ग्रो होगा ही, देखा जाएगा जो भी होगा, तो बस वीडियोस मैं डालते रहता हूँ और देखिए भविष्य में होगा क्या नहीं होगा उतना मैं नहीं चिंता करता। लेकिन अभी तक देखिए यूट्यूब का जो क्राइटेरिया होता है ना, कि जब आप रेवेन्यू अर्न करने लगते हैं यूट्यूब से, तो आप करीब एडसेंस का, गूगल एडसेंस का रहता है कि जब तक आपका $100 कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप नहीं निकाल सकते हैं जो आपने अर्न किया। लेकिन अभी तक मेरा उतना भी नहीं पहुंच पाया है कि आपसे मैं झूठ बोलूंगा, जो हकीकत है मैं आप सबको परिवार की तरह समझता हूं, तो मैं आपको सब सच ही बताता हूं, ऐसा बात नहीं है। अगर भविष्य में मेरे पास जितना भी होगा मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आप बोल सकते हैं ना कि यूट्यूब से अभी तक मेरे को ऐसा कुछ इतना मिला नहीं है कि जो मैं आपको बता सकूं, ठीक है, बस मान सकिए कि बस ऐसे ही मैं वीडियो बनाते रहता हूं और आपका प्यार आशीर्वाद और सपोर्ट मिलते रहता है, और आशा करेंगे कि भविष्य में भी हमें मिलता रहेगा। और इतना प्रेम पूर्वक आप लोग वीडियो हमारा सपोर्ट करते हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़रूर चिंता मत करिए, जब भी हम अगर ऐसा कुछ बात होगा, चाहे जितना भी मैं अर्न किया क्या किया, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ऐसा बात नहीं है। और आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप जो बहुत लोग के मन में डाउट होगा वो क्लियर हो गया, बहुत लोग पूछते रहते थे मेरे से। तो ठीक है मित्रों, ये वीडियो में बस इतना ही था, मैं आपको बस इसलिए बनाना चाहता था ना, बहुत लोग पूछते रहते थे कि कितना यूट्यूब से कमाए हो, कितना कमाए हो, और बहुत लोग यहाँ कहते हैं फालतू का फोकट का क्या करते रहता है यूट्यूब पर, ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहते। तो बस यही था, कुछ नहीं है। आप देखिए भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ आप लोग का सहयोग और प्यार ऐसे ही बना रहना चाहिए। ठीक है मित्रों, इसी के साथ मित्रों लेते हैं आपसे विदा, फिर एक वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।